2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब कहा गया कि यह भारत जैसे देश में ही मुमकिन है कि एक चाय बेचने वाला शख्स देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और यह सही भी है कि भारत जैसे देश में ही ये मुमकिन है। लेकिन हम आपको भारत की एक दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो बिहार से आ रही है। दरअसल बिहार में एक शख्स जो 80 के दशक में नेशनल तैराक हुआ करता था, नेशनल लेवल का तैराक हुआ करता था, वो पिछले 20 सालों से चाय बेच रहा है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर का तैराक आज करीब 20 साल से पटना में चाय बेच रहा है। यह बिहार में खिलाड़ियों और खेल की स्थिति का एक उदाहरण है जो व्यवस्था की उदासीनता को दिखाती है। तो क्या करें सर, चोरी करें, डकैती करें, आए कहीं भी काम करेंगे 5-6 हज़ार रुपया देगा, उससे अच्छा कि अपना वोट टांग करके सरकार के नज़र में मेडल सब टांग दिए। गोपाल एक समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक बनना चाहते थे, वह अब अपनी खराब आर्थिक व्यवस्था के कारण चाय बेचने को मजबूर हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उनकी चाय की दुकान का नाम नेशनल स्विमर टी स्टॉल है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह नाम क्यों रखा है तो उन्होंने कहा कि यह सभी एथलीटों की दुर्दशा को दर्शाता है। 87 में मैंने स्टेट लेवल का खेल खेलने गया तो उसमें हमको प्राप्त नहीं हुआ। फिर 88 में गंगा में सुबह 6 बजे हेलते थे तो 1 बजे दिन में निकलते थे, फिर शाम में करते थे। मन में ठान लिए कि हमको 4 गो मेडल लेना है, तो हमको 88 में 4 मेडल मिला, 1 फर्स्ट, 1 सेकंड, 2 थर्ड। किस चीज़ में मिला? स्विमिंग में, तैराकी में, स्टेट लेवल पर। हाँ, स्टेट लेवल पर। अच्छा। उसके बाद फिर बंगाल ले जाया गया, नेशनल गेम होता है, वहाँ ले गया गया। तो वहाँ ले जाने के बाद जो है ना, हम लोग मार खाए, 5वां 6वां पोजिशन रहता था, इसलिए कि गंगा जी का पानी और स्विमिंग पूल का पानी अंतर होता है, तो इसीलिए हम लोग जो भी यहाँ के खिलाड़ी जाता था मार खा जाता था। अच्छा, पे राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं और चाय बेच रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया? देखिए, सवाल ये है कि बहुत जगह हमने अप्लाई किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब डोनेशन खोजता है। पोस्टल विभाग में उस समय भगवान टेकरीवाल थे, इंटरव्यू दिए, लेटर आया, यहाँ सतमाइकल में हम लोग इंटरव्यू दिए। उस समय आपको स्विमिंग सिक्योरिटी थे मिश्री लाल जी, जो गुजर गए, उनके बेटा को 3rd पोजीशन पर था, उनका सर्विस हो गया, हम लोग को छांट दिया पैरवी के कारण, उन लोग को रह गया। 1987 में गोपाल ने पहली बार कोलकाता में हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतिस्पर्धा में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। फिर उन्होंने 1988 और 1989 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने 1988 में BCA दानापुर में आयोजित राज्य चैंपियनशिप में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। आज गोपाल गंगा नदी में तैराकी सिखाते हैं। उनका कहना है कि इसने उनके अंदर के तैराक को जिंदा रखने का काम किया है। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों स्विमिंग अच्छा करता है लेकिन ढंग से नहीं करता है, कहता कि पापा आपको कुछ व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग क्या करें। हाँ, सिस्टम यहाँ का जो है ना, बिहार का सिस्टम एकदम ख़त्म है, खेल पे कोई ध्यान नहीं है। इंदिरा गांधी थी, वो कॉलेज बॉयज होता था, स्कूल बॉयज फुटबॉल का मैच होता था, सब बंद हो गया, ये जब से लालू भैया आए बंद आ गया। हमारे हिंदुस्तान का खेल का कदर नहीं है, हमारे देश में कला और कलाकार का कमी नहीं है। अभी की सरकार से कभी नहीं आपने बात की? नहीं, हमने बहुत मोदी जी के यहाँ भी लेटर भेजे, कोई सुनवाई नहीं। 1913 में जो मोदी जी आए थे, चाय पर चर्चा चला था, इसी ग्राउंड में हुआ था, सब पेपर में छाए हुए थे, हर मीडिया वाला यहाँ मौजूद था, उनके पास ही 5-6 लेटर भेजे, कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनके बेटे सनी और सोनू कुमार अच्छे तैराक हैं लेकिन उनकी स्थिति देखकर उन्होंने तैराकी को छोड़ दिया है। हम आपके लिए ऐसी और भी स्टोरी लेके आएंगे, आप बने रहिएगा News24 के साथ।